आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हमेशा अच्छे ही रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स। अब तो समर हो चुकी है, क्या आपकी स्किन डल है, स्किन पे ग्लो नहीं है, नॉट ग्लोइंग स्किन है एंड स्किन पे सन टैन एंड सन बर्न हो चुकी है, दाग धब्बे भी है? तो अब नो मोर, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी एंड आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई एंड हाइड्रेशन भी होने वाली है। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, ताकि कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो जाए। एंड आज के वीडियो में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारे के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी। तो चलिए डोंट वेस्ट मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर, समर के टाइम में सुबह उठते ही पानी पीती हूँ एंड ऐड करना है हाफ लेमन। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करती है एंड इस बॉडी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेमन में विटामिन सी इतना भरपूर मात्रा में होते कि हमारी स्किन को एंड साथ ही साथ अपने बॉडी पार्ट को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलते हैं। तो हमेशा लेमन यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ इसमें ऐड करना है हनी। स्किन को लाइटनिंग, टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती है, स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेट करने में हेल्प करती है एंड हमारे बॉडी पार्ट में जो फैट होता है ना गाइस, फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो हमेशा इसे स्किप मत करना, सुबह उठते ही इस पानी, इस वाटर को जरूर से पी लेना। ग्लोइंग स्किन पाना है कि नहीं है ना, तो जरूर से मेरे वीडियो को फुल वॉच करना गाइस। एंड सुबह उठते ही आपको पीना है बहुत ज्यादा फ्रूट जूस या फिर फ्लैट एंड फ्रूट। देखो मैं यहाँ पर अंगूर एंड लेमन बहुत सारे फ्रूट भी खा लेती हूँ गाइस, इन्हें स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है एंड स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सो डियर, तो चलो फटाफट से एक एक करके हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ एंड साथ में इसे यूज़ करती हूँ। एंड इससे पहले मेरे चैनल को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो डियर, फर्स्ट है लोटस हर्बल्स का नीम फेस वॉश। इसमें नीम है जो स्किन पे जितने भी दाग धब्बे एक्ने स्पॉट होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड इसका टेक्सचर आप देखो बहुत ही अमेजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। सो डियर, ये पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है एंड ये ऑल स्किन टाइप, इसे यूज़ कर सकते हैं बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इसे यूज़ कर सकते हैं। अब स्किन पे जितने भी डर्ट पॉल्यूशन है ना, सबको अच्छे से उठाना है, अच्छे से क्लीन करना है, ताकि हमारा पोर्स क्लॉक ना रहे, पोर्स खुल जाए एंड अच्छे से साफ हो जाए। तो आज के वीडियो में कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करूँगी, 100% नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एंड ग्लोइंग स्किन मिले। तो चलो अच्छे से मैं स्किन को पोंछ लेती हूँ। सेकेंड स्टेप है स्क्रब, तो मैं स्क्रब नहीं करूंगी, मैं यूज करूंगी नेचुरल प्रोडक्ट, ये है आम गुडनेस का नीम एंड तुलसी पाउडर। ये ना 100% नेचुरल है एंड ये कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है एंड स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग करने में हेल्प करते हैं। इसका प्राइस है 90 रुपीज। आप देख सकते हो इस तरह का है पैकेजिंग इसका, इसका बहुत सारे खत्म भी कर लिया एंड मेरा थर्ड टाइम परचेस है, तो अब मैंने इसे यूज करूंगी एंड दिखाऊंगी आपको इसका रिजल्ट, एकदम लाइव प्रूफ हो गया आपके सामने का। इस देख लेना मेरा स्किन कितना ज्यादा ग्लोई होते जाते हैं। तो आपको लेना है 1 टेबल स्पून इसका पाउडर, मैंने थोड़ा सा ले लिया है एंड इसमें रोज वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो डियर, ना टीनेजर्स के लिए ना बेहतरीन एक DIY है गाइस, ट्रस्ट मी, स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं ना, सब कुछ उठकर एकदम स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट एंड हाइड्रेट प्रोवाइड करती है। ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत इसे यूज़ कर सकते हैं, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है गाइस। आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर ना बहुत ही ज़्यादा पतला सा टेक्स्चर है, लेकिन इसका जो वर्क करती है ना, जो अमेजिंग वर्क करती है, ट्रस्ट मी, आप देख ही सकोगे एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एंड नीम तो बेसिकली बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए, स्किन पे जो एक्ने मार्क होते हैं ना गाइस, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करने में हेल्प करती है। एंड तुलसी भी सेम वर्क करती है, लेकिन तुलसी ना स्किन पे जो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होते हैं उसे भी ठीक करने में हेल्प करती है। तो चलो इस फेस मास्क को 10 मिनट ऐसे रखना है, अब अच्छे से सुखा कर मुँह धो लेना है। तो चलो 10 मिनट बाद में आती हूँ। देख सकते हो मैं वॉश करके आ गई हूँ एंड मेरा फेस कितना ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही, लग रही कि नहीं तो मुझे कमेंट करके बताना। तो थर्ड स्टेप है फेस पैक, तो मैंने फेस वॉश स्क्रब भी कर लिया, आप बढ़िए फेस पैक की, लेकिन मैं फेस पैक नहीं यूज करूंगी, मैं यहाँ पर यूज करूंगी फेस मास्क। ये है D10 फेस मास्क, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है एंड बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड संधि वाली जो समर आ चुकी है ना गाइस, इसलिए D10 पैक तो हमेशा यूज करना चाहिए। तो ये है उपटन वाला D10 फेस मास्क एंड इसका टेक्स्चर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसमें है हल्दी है, सेफ्रॉन है एंड टर्मरिक है एंड बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट से बनी हुई
हुई है। डी 10 पैक ना स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड करना गाइस, तो समर के टाइम इसे कभी भी स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे होते हैं। सो डियर, ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, वेगन भी फ्री है और साथ ही साथ एनिमल टेस्टेड भी है एंड 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। ऑल स्किन टाइप इसे यूज कर सकते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इसे यूज कर सकते हैं एंड ए 100% केमिकल भी फ्री है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है मैं तो इसका परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी एंड इसके ऊपर मैं एक अलग से रिव्यू भी कर चुकी हूँ, उसे भी देख लेना, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी। आप इस फेस मास्क को ऐसे 30 मिनट रखना है, अच्छे से सुखाने के बाद बस वॉश कर लेना है, फिर देखना आपके स्किन पे जितनी भी सन टैन हो, चाहे सन बर्न हो चुकी हो एंड जो अंडर आई के नीचे जो डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं ना, उसे भी ठीक कर देती है। सो डियर, अगर आपके पास उपटन वाला ए फेस मास्क नहीं है तो आप होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हो, दही लेमन एंड टर्मरिक ऐड करके इस फेस मास्क बना लो एंड उसे भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए, स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती है। तो चलो 30 मिनट हो चुके हैं एंड मैं वॉश करके आती हूँ। वाओ, आप देख ही सकते हो इसका रिजल्ट, एकदम हल्दी हल्दी टाइप्स का लग रही है मेरा स्किन। सो डियर, जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ए रहा शीट मास्क। शीट मास्क स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन बनाने में हेल्प करती है। तो शीट मास्क अमेजिंग एक प्रोडक्ट है, तो चलो मैं इसे यूज करूंगी एंड इसका प्राइस ना थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, इसका प्राइस है 90 रुपीज तो मेरे हिसाब से कॉस्टली है एंड जो इसका फ्रेगनेंस अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग। एंड अब देख सकते हो ये रहा वो शीट मास्क एंड मैं इसे यूज करूंगी। तो समर के टाइम में हमेशा इसे यूज करती हूँ, आप भी यूज करना गाइस, कर सकते हो इंस्टेंट ग्लो के लिए। तो आप अगर पार्लर में जाओगे ना, आपको जरूर से शीट मास्क यूज करने के लिए देंगे। तो चले आप मैं इसे यूज करके दिखाती हूँ, टडा ये रहा, भूतनी जैसे लगूंगी बट कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैं इसे कर ही सकती हूँ ना गाइस। ऐसे फेस के ऊपर ऐसे रखना है एंड 30 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना है एंड इसके ऊपर ना बहुत सारे ऑयल होते हैं, जो वो ऑयल है ना वही एक काम करते हैं। शीट मास्क बहुत ही अमेजिंग है स्किन के लिए एंड डियर ए गुड वाइज का हर एक प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल भी फ्री होते हैं एंड बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है गाइस, आप देख सकते हो। मैं आज इसके वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगी ना, सबके परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी, तो मेक श्योर वहां से चेकआउट कर लेना एंड वाओ, देख सकते हो मेरा स्किन लग रही है ना एकदम किस चुरेल जैसी, लेकिन इसके बाद जब मैंने इसे पिल आउट करूंगी ना, फिर देखना इसका रिजल्ट। 30 मिनट हो चुके हैं एंड अब देख सकते हो इसका रिजल्ट, वाओ देखो जरा, देखो कितना ज्यादा सॉफ्ट हाइड्रेटिंग स्किन लग रही है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाइड्रेट एंड ऐसे ग्लो नजर आई, ऐसे ना उसके ऊपर चमक रही है, देखो। अगर आपको बाहर जाना नहीं है तो, अगर आपको घर पे रहना है तो बस आप इस शीट मास्क को लगाकर ऐसे ही छोड़ देना, अगर आपको बाहर जाना है तो आप जरूर से टोनर जरूर से यूज करना गाइस। टोनर चाहे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो चाहे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन हो, हमेशा यूज करना चाहिए। ये है गुड वाइब्स का नेम एंड तुलसी ग्लो टोनर, ये भी पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल भी फ्री है, इसका प्राइस है 200 रुपीज, सेल्फ लाइफ दिया हुआ है 2 साल तक एंड इसे ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं एंड कुछ तरह इस तरह का प्लास्टिक बोतल में वाला प्रोडक्ट रिसीव होता है, इस तरह का एक पंप सिस्टम है ढक्कन और ऐसे काम करती है एंड मेरा स्किन ना पहले से बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड से ठंडक फील हो रही है एंड आप बड़ी है मॉइस्चराइज की, ये है पॉन्ड सुपर लाइट जेल, ए नॉन स्टिक बेसी जेल है एंड वाटर बेस जेल है एंड स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है, हाइड्रेट करती है एंड इसमें है विटामिन ई एंड हेलोरोनिक एसिड, दिस ग्रेट फॉर एक्नी एंड स्किन पे मेरा पहले तो देखो 2-3 एक्नी स्पॉट है ना, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही चीपेस्ट है। तो ये ना बड़ा वाला डिब्बा है तो इसका प्राइस है 199 रुपीज, अगर आप छोटे वाले डिब्बा परचेस करने चाहते हो तो गाइस ये देखो, ये रहा वो छोटा वाला डिब्बा, इसका प्राइस से 45 रुपीज ओनली एंड बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं एंड समर के लिए बेस्ट रहेगा एंड मेरे हिसाब से भी 10/10 प्रोडक्ट है, आप इसे 10 में से 10 दे सकते हो। सो डियर, आप देख सकते हो मेरा फेस, देखो जरा इसका वर्किंग
काम देखिए, देखो कितना ज्यादा व्हाइट व्हाइट ऐसे ग्लो नजर आ रही है कि नहीं बताओ। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट भी बन चुके हैं। एंड अभी भी बाकी है, चलो यार धूप में जाना है तो मेन चीज इसे कभी भी स्किप मत करना, वो है सनस्क्रीन। टाटा, ये है लैक्मे सनस्क्रीन SPF 50। एंड इसका प्राइस कहाँ है, मैं तो भूल ही गई हूँ, मुझे याद नहीं। गाइस आप कमेंट करके बताना इसका प्राइस कैसा है। ऐसे टू फिंगर टिप्स में लेना है, पता नहीं क्यों हर वक्त हर कोई टू फिंगर टिप्स यूज करते हैं। तो चले फटाफट से मैं इसे यूज कर लेती हूँ। एंड लैक्मे का सनस्क्रीन ना मेरा मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है गाइस, टीनेजर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाले है। जब मैंने स्कूल टाइम थे ना, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम तक मैं इसे यूज करती हुई आई हूँ गाइस। एंड इसका रिजल्ट ना बहुत ही बेहतरीन लगती है, मुझे फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाना ही जरूरत ही नहीं पड़ती, इसे लगा कर ही मैं जाती हूँ। आप देख सकते हो लग रही है ना मैं फाउंडेशन लगा कर आई हूँ। सो डियर लास्ट में यूज करूंगी लिप बाम, ए है ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी किस मॉइस्चराइजिंग लिप बाम। इसका प्राइस है 99 रुपीज। एंड देखो इसका कलर, देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इसका फ्लेवर ना एकदम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। एंड बहुत ही सही वाला एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा। इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया है। एंड इसका ना टेक्सचर एकदम क्रीम क्रीम सा, लिप बम का टेक्सचर ऐसे ही होते हैं। सो डियर देखो मेरा स्किन पहले से कितना ज्यादा हाइड्रेट ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बन चुकी है। सो डियर ये था मेरा समर स्किन क्योर रूटीन फॉर टीनेजर्स। एंड इट्स ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट शेयर करी हूँ सबका परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी, मेक श्योर वहां से चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कॉमेंट करना मत भूलना गाइज। तो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, यू स्टे फिट एंड ब्यूटीफुल, बाय।